डालो दोनों को, बाप बेटे पछने नहीं चाहिए। चलो Yeah!
रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या मासूम सा चेहरा तेरा कौन है यार? आज ही काम पर रखा हूँ। बहुत मेहनती लगता है और शायद जरूरतमंद भी। जी सर। देखो बेटा, ये जगह है। तेरा खिलौना बन जाऊं मैं हम के हाथ में संग चलता है तो जब कभी ऐसा लगता है साथ चल रही है मेरी जिंदगी तू हंसता है जिंदगी भर तुझे लग जाए मेरी उम्र तू हंसता रहे तुझे लग जाए मेरी उम्र रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या पापा। क्या बोला? फिर से बोल बेटा। पापा पापा बाजी बाजी अरे बाजी दो अभी आवत है अभी आवत है। प्यारे जी ओ की होया ओ तुसी किथे हो दस की होया। अरे भैया मुन्ना ने मुझे पापा कहा। मां जी मेरे बेटे के मुंह से पहला शब्द पापा निकला। ओ यार है कुर्सी नहीं गले एक ना एक दिन तो मुंडे ने कहना ही था। तुसी तो बैल की बैल ही रहोगे। ओए तू कल सुन। अरे बच्चा जब बोलने लगता है तो उसका मुंह से पहला शब्द मां निकले। लेकिन मुन्ना ने पहला शब्द पापा कहा है। जाने थे कहे क्योंकि सोया तो बाप के कंधे पर जागा तो बाप की गोद में। अरे इकलिए तो माँ भी यही है बाप भी यही है। भगवान करे ये रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। मुन्ना दादी के साथ नहीं खेलेगा? ले गेंद ले ले दादी के साथ नहीं खेलते है? नमस्ते माँ जी। जीता रहे बिटुआ। आज बड़ी देर कर दी तूने। अरे मौसम देख रही हो माँ जी, लेट तो होना ही था। करण 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 क्या बात है माँ जी, बहुत परेशान लग रही हैं आप। कुछ समझ में नहीं आवत है बिटुआ। मुन्ना की उम्र के बच्चे तो खेला दौड़त है पर तेरा मुन्ना तो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पावत है। कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है। बेटा बेटा खड़े होके बता, खड़े होके बता। चल चल बेटा अपने पापा के पास आ। बेटा 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 अपने पापा के पास आ। मिस्टर सूरज जी बच्चे को ले लीजिए। मेरा बच्चा ठीक है ना डॉक्टर साहब? आपने बताया कि बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हुआ था। हाँ। ऐसे केसेस में बच्चे की ग्रोथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। आपका बच्चा ऐसी ही कमजोरी का शिकार है।
कैसी कमजोरी डॉक्टर साहब? इसके पैरों की हड्डियां पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाई हैं, इसी कारण ये जिंदगी भर अपने पैरों पर नहीं चल सकेगी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं उसमें। He's all right, डॉक्टर। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन हमें इस सच्चाई को भी मानना पड़ेगा कि ये बच्चा उम्र भर अपाहिज रहेगा। नहीं, भगवान इतने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। मेरा बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह दौड़ेगा। मेडिकली ये बात नामुमकिन है मिस्टर सूरज। साइंस अपने आप में सब कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, कोई है जो इस दुनिया को चलाता और वही मेरे बच्चे को चलाएगा। मेरा बच्चा अपने पैरों पर चलकर जिंदगी जिएगा, वो न सिर्फ चलेगा बल्कि दौड़ेगा। वो दौड़ेगा, वो दौड़ेगा डॉक्टर साहब, वो दौड़ेगा। जब नाम मेरा लिया, जब पुकारूंगा प्यार से मैं, तू आएगा दौड़ के। जी रहा हूं मैं तेरी खातिर, ये दुनिया को छोड़ के। तेरे कदमों में रख दूं जहां, हाथ छूने बसी है मेरी जान। तेरे कदमों में रख दूं जहां, तुझ में बसी है मेरी जान। रिश्ता तेरा, रिश्ता मेरा, एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या। मासूम सा चेहरा तेरा, माने न माने कोई बैठिए, चलिए अब रेस शुरू होने वाली है। सर, ये लंगड़ा भी हमारे साथ दौड़ेगा क्या? शट अप, ये प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है। सर, भागना तो बहुत दूर की बात है, ये लंगड़ा वहाँ रेंगते रेंगते भी पहुँच जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मिस्टर सूरज। तुम्हारा बेटा चल फिर सकता है, यही बहुत बड़ी बात है। इसे रेस में दौड़ा कर तुम इसके साथ ज्यादती कर रहे हो, इसका रिवर्सल इफेक्ट भी हो सकता है। हो सकता है कल कोई बच्चा चलने फिरने की शक्ति भी खो दे। प्लीज डोंट मेक हिम रन। मेरा बच्चा दौड़ेगा भी और जीतेगा भी। बेटे, बेटे तू दौड़ेगा ना? हाँ पापा, मैं दौड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। ऑल द बेस्ट। एवरीबॉडी गेट रेडी। Oh.
जो कुछ भी हमने आज यहां देखा वो एक चमत्कार भी है और सबक भी। चमत्कार ये है कि जो बच्चा चल भी नहीं सकता था आज उसने यहां दौड़कर ये रेस जीत ली। और सबक ये है कि यदि इरादा मजबूत हो और मन में सच्ची लगन हो तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मैं मास्टर करण को इस कामयाबी पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और उसे इस मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आओ बेटे करण, मुबारक हो, ये रही तुम्हारी ट्रॉफी। थैंक यू सर। हम सबको तुम पर बहुत ही गर्व है। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। श्योर बेटे, कम ऑन स्पीक। हम रोज स्कूल में प्रेयर करते हैं जिसमें बताया जाता है कि संसार की रचना भगवान ने की है, वो हर चीज का मालिक है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आज मैंने दौड़कर ये कब जीता है ये भगवान की इच्छा से ज्यादा मेरे पापा की मेहनत का नतीजा है। ये सच है कि जन्म मुझे भगवान ने दिया लेकिन मेरी जिंदगी मेरे पापा ने दी है। आई लव यू पापा, आई लव यू। तू चल तो सही, ऐसे करो जा, ऐसे करो जा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। यू लाइक इट? या आई रियली लाइक इट। चलाएगा? हाँ पापा। कम ऑन सिट। रेडी? यस। ओके कम ऑन लेट्स गो। बेटा तू गिर जाएगा, संभल के। छोड़िए, छोड़ू मैं? हाँ प्लीज। ओके संभल के करण, संभल के। अरे किसी को ठोक यार, संभल के चला लेगा, तू चिंता काको करता है। करण चल 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 कर लस्सी पीते। झींगे
अब तू आए ना मेरे नेट में, अब देख मैं कैसे तेरे चील का निकलती है। माफ करना, गलती हो गई मौसी। मौसी, वो निशाल की लड़की को मौसी बुलाता है? मैं तेरी माँ की भाई लगती है क्या? तेरे को तो हवलदार। किधर है हवलदार, किधर है? देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए ए हाथ मार क्यों कर रही हो? अरे भाग क्यों रही हो? अरे अरे रुको रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे जल्दी निकलो, मेरे को सांस नहीं आ रहा है। अरे आ जाएगी, तुम सीधी खड़ी रहो एक मिनट। अरे अटक गए, अरे जल्दी निकलो। अरे ये हांडा अटक कैसे गया? सॉरी, माफी काहे को मांगता है? अच्छा लगा मेरे को। क्या हुआ? मुंबई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता है क्या? मुंबई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड? टच किया तो आपका बॉडी में झनझना के करंट लगा। अच्छा? हो पापा, तेरे पापा की तो धाबा। ये तेरे को पापा बोला? हाँ मुझे पापा बोला। तेरा पोरगा ये? पोरगा? अरे तेरा बेटा है ये? हाँ मेरा बेटा है। देवा, 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 मैं बर्बाद हो गई। देवा, देवा, देवा। अरे कपस, काय को इतना रोती है? अरे काय सांगू मामा, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, मेरे वास्ते ना कोई घर है ना मकान है। अरे दिगंबर, कौन है ये छोरी, काहे रोए जा रही है? अरे मेरी भांजी है, पॉइजन थी, कलिस अलीबाग से आई है, दिल नहीं साथ में कलिंगर लाई है, ना जाने किससे टकराई है, आते ही सारा मोहल्ला सर पे उठाई है। देवा देवा देवा। अच्छा अच्छा अच्छा, तू खैर मैं पूछती हूँ। हाँ पूछो। हमका बता क्या हुआ? अरे कैसा गुका की, मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही थी एंड हो गई। दोपहर की घड़ी थी, हम दोनों की आग लड़ी थी, आंखों आंखों में एक्शन हुआ, दिल से दिल का कनेक्शन हुआ, इतने में आवाज आई पापा, 7 साल का बच्चा है उसका। देवा, अब ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो जती की जवानी कोई दाम की नहीं। अरे पगली, जिससे तो टकराई थी ना, वो की औरत अब इस दुनिया में नहीं है। क्या, तेरे को कैसे मालूम काकी? अरे वो काम अच्छी तरह जानत है, बड़ा भला मानस है वो। सुन, आज शरद पूर्णिमा की रात है, पूरी बस्ती जमा होगी, वो भी आने वाला है, तू भी चले आना। मैं चलती हूँ। फिर तो मैं उतरिश कर डालेगी वन टू का मोर। अगर ना नाचे वो मोर तो खिला देना एक गोली, फिर देखना इस गोली का जोर। ये काय की गोली है मामा? चुम्मा गोली, जिसको एक गोली खिलाएगी 100 चुम्मा लेगा। आयशा पर एक गोली में 100 चुम्मा, पूरी बोतल खिलाए तो पूरा सत्यानाश हो जाएंगे। देखता मामा कैसे काम करोगे, वापिस 24 घंटा बच्चे को चिपका कर बैठे ले, अब मैं अपना सेटिंग कैसे करेगी? अरे तू फिक्र मत कर, मैं है ना अभी बंदोबस्त करता हूँ। चलो बच्चों, आज मामा तुमको झूला झुलाएगा, वो भी फुकट में। चलो बच्चा लोग को लेके जाता झूले पर, तू सूरज को चढ़ा दे झूले पर। गोली खाएगा क्या? गोली? बंदूक की गोली नहीं, ठंडक की गोली, खाने की पता अच्छा लगता है। तू क्या,
अब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो खा लूंगा। मामा के गोली का कमल देखती है माई। अब शरबत किधर मिलेगा? ए सरबत अरे ये किधर जा रहा है? अरे सूरज किधर को जाता है? वो तेरे वहां से शरबत बना के लेके आई है। इतनी देर बाद शरबत पीने का मूड नहीं है वैजंती। आज का कैसा? इतने प्यार से बना के लेके आई है, पीना ही पड़ेगा। ये शरबत में उबाल कैसा? तू पिएगा तेरे अंदर भी उबाल आएगा। हाँ बहुत अच्छा है, पी 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 के देखो। सच्ची अच्छा लगा? गोली का सर हो रहा है, मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं। तो आज मेरी मां की मुराद पूरी होगी। आइए किधर गए? अरे भाग से किधर है? अरे कोई पकड़ो सूरज। अरे कुछ अरे किधर गया रे? अरे अरे ये झाड़ पे कहीं को चढ़ गया है, नीचे उतर। नहीं नहीं मैं नीचे नहीं उतरूंगा। नीचे नहीं उतरेगा तो मैं इधर से जंप मारेगी तेरे ऊपर, देखना। मार मार काय को मगजमारी करता है रे? नीचे आ जा रे मेरे राजा, आ जा। ये ऐसे हाथ में आने वाला नहीं है। बोतल खोल डाल और दिल की बात बोल डाल। ऐसा करने से मेरे हाथ में आएगा? अरे बोल डाल बेड़ू को, अपन को मांगता है तू ही तू। कैसे? ऐसे मैं? हाँ तू ही।
हाल ये कैसा तूने मुझ पे डाला, चिकनी बता दे क्या है ये घोटाला। भेजे से टूटा दिल का कनेक्शन, भेजे से टूटा दिल का कनेक्शन, आज फिसल रहा है अपन साला। लफड़ा ना कर रानी ऐसे ना बन शानी, चुनरी संभाल तेरी दुनिया से डर रानी, बोल रही है कई को आई लव यू आई लव यू। रात क्या पिलाया था तुमने मुझे, क्या पिलाया था तुमने? वो ठंडक की गोली शरबत में मिला के पिलाया था मैंने, सोचा पार्टी में मजा आएगा। शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी बेहुदा हरकत करते हुए? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है, दफा हो जाए यहां से। अरे डांटा काय को है, करण की बात जिंदा होती तो उसमें भी ऐसे भड़कता क्या? यशपाल जी एक मिनट। देखिए जिस्म पे लगे जख्म तो भर जाएंगे मगर इसके दिल पे लगे घाव का कोई इलाज नहीं। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मैंने घर बदल दिया शहर बदल दिया सिर्फ इसलिए कि अपनी पुरानी यादें भूल जाए, लेकिन यशपाल जी जगह बदलने से जख्म नहीं भर जाते। एक माने अपना बच्चा खोया है और हर गुजरते दिन के साथ उसमें अपना बच्चा पाने की तड़प बढ़ती जा रही और यही जुनून आज उसकी मौत का कारण बन सकता था। देखिए अगर आपको अपनी बेटी की जिंदगी चाहिए तो किसी तरह भी उसका बेटा ला दीजिए वरना कुछ भी हो सकता है।
मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ यशपाल जी, लेकिन 100 करोड़ की आबादी में आपके दामाद को वो मेरा दामाद नहीं है, चोर है वो, मेरी बेटी का बच्चा चुरा के भागा है। मानता हूँ, लेकिन वो किस शहर में है, किस हुलिया में है, इस बात का पता लगाने में हमें कुछ वक्त तो लगेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन आप फिक्र ना करें, वी विल गेट हिम। ओके जी। एक बात समझ नहीं आई सर, जिस बच्चे को आप पैदा होते ही मरवा देना चाहते थे, जिसे पिछले 7 सालों में आपने कभी ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, उसे पाने के लिए आपको अचानक पुलिस की मदद की जरूरत पड़े, आई कैन नॉट गेट इट। मजबूर हो गया हूं मदेश, अगर हम बच्चे को अस्पताल में ही मरवा देने में कामयाब हो जाते तो किस्सा ही खत्म हो गया होता, लेकिन अब मेरी बेटी ने मुझे बेबस कर रखा है, उसे जिंदा रखने के लिए मुझे उसका बेटा वापस लाकर देना ही होगा, और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अच्छा किया तूने, अच्छा सबक सिखाया अखिलेश को। देख चश्मा देने आ रहा है जूनियर लगीशर, एक ही फट्टे में उसका चश्मा गिरा दूंगा। इतने दोस्त है हाँ। एक एक डॉक्टर की शर्ट लगी ले ये ये क्या हुआ कार्तिक, क्या हुआ? किसी ने बॉल मारा। मेरे दोस्त को क्यों मारा? ये चल रहे उसकी आंख फूट जाती तो अच्छा होता ना, उसे चश्मा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो चर्बी आई क्या तेरे को? हाँ तेरे बाप का नहीं कहता। ए बाप पे मत जा बोल रहा हूँ। अरे तेरे बाप की ऐसी की तैसी। ए बाप पे मत जा, मैं बोल रहा हूँ धक्का मत मारा। क्या चले तू बोल, मेरे को मारेगा तू? मेरे को धक्का मारा। ऊपर देख, बाप पे जाएगा। करण, अरे करण, अरे क्या कर रहे तुम लोग? छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो, इधर आओ करण। हुआ क्या, हुआ क्या? अरे पागल हो गया तू? बता तो सही हुआ क्या? अरे जस्ट फॉरगेट अबाउट इट करण। अरे अपने बाप के पीछे क्या छुपा है? मर के आ रहा था तो फिर सामने आ। बेटा अब तो इज्जत पे आन पड़ी है, आसामी मोटी है मंजिल कठिन है, लेकिन घुस जा। जेल में सिर्फ पत्थर तोड़ता रहा, बहुत दिनों बाद किसी की गर्दन तोड़ने का मौका मिला है। अगर तेरे बेटे ने मेरे बेटे को हरा दिया तो उसके बाद मैं और तू लड़ेंगे, फाइट टू द फिनिश। अरे बेटा बेटा धीरे से, अरे बेटा धीरे से, उनमें को लग जाएगी, वो अपने हुसैन अंकल का बेटा, हुसैन अंकल का। अगर आप मेरी गर्दन छोड़ दें तो मैं जाकर सीन चेंज कर सकता हूँ, एक मौका दीजिए हुसैन भाई। अब आइया कल ठिकाने। हाँ। जा समझा अपने बेटे को, जा। जाता हूँ, जा। जाता हूँ। करण, 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 मेरी बात सुन, करण, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अरे मेरी बात तो सुन, क्या इतनी देर से टाइम पास करा? जस्ट गो नॉक हिम डाउन। छोड़ूंगा, तुझको नहीं छोड़ूंगा।
अरे 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 वो सांड पीछे हो गया तेरे। अबे उधर किधर जा रहा है? आजा। अरे और कितना मारेगा कमीने? 100 घूंसे और मारूंगा, तू गिनता जा। अभी तेरा सर खोलता हूं मैं। हाँ लेके जाओ। अरे रे ओ हो हो। क्या हुआ अंकित, बहुत दर्द हो रहा है? हाँ। ये लीजिए गुलाब का शरबत, इससे सब दर्द खत्म हो जाएंगे। पीजिए 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 जल्दी पीजिए। क्या हुआ अंकित, अच्छा ही लगा? हराम को पिल्ले, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ, हुसैन को मिर्ची खिलाता है, बुला अपने बाप को, बुला अपने बाप को। अरे जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। वन मिनट पापा। अरे आराम से करन, आराम से। पापा यू ग्रेट, क्या फाइटिंग की आपने, क्या राइट मारा, क्या लेफ्ट मारा, क्या किक मारी, फ्लैग कर दिया आपने उस गेंडे को। अच्छा, पापा आपकी नौकरी वोकरी छोड़ के फाइटिंग का धंधा क्यों नहीं चालू करते? सॉलिड माल कमाएंगे हम दोनों। अच्छा बेटा, तू चाहता है कि मैं रोज पिटकर इस तरह ऑन द लेटर हूं? हां। अरे पहले कंधे को सेक दे, बहुत दर्द हो रहा है। ओके पापा, ये लीजिए। पापा, मेरी माँ कैसी थी? Was she beautiful? तेरी माँ बहुत सुंदर थी। आप मम्मी से बहुत प्यार करते थे? हाँ बेटा। आपको मम्मी की बहुत याद आती होगी ना? तरफ तू
तू ही दिखे, तू ही तू दिल में रहे, क्या कहूँ तेरे बिना एक पल भी ना कटे। ये मेरी सांसों में भी तेरी ही खुशबू रहे, तू लहू बन के सनम जिस्म में मेरे बहे। चाहता हूँ इतना तुझे, चाहता हूँ इतना तुझे। के रंग से मांग तेरी भरूंगा, प्यार की हद से ज्यादा प्यार तुझको करूंगा। तेरे हम सारे लेकर हर खुशी तुझको दूंगा, दूर मुझसे ना जाना मैं तो जी ना सकूंगा। जान से बढ़ के चाहता हूँ इतना तुझे, चाहता हूँ इतना तुझे। हर तरफ तू ही देखे, तू ही तू दिल में रहे, क्या कहूँ तेरे बिना एक पल भी ना कटे। आपको मम्मी की याद दिला दी, I'm really sorry। करण, करण, चल, चल चल के खाना खाते। ये लो मामा, सूरज, रावस। अरे जाती किधर भाई, किधर मेरे को आई है? आज रोक ले मामा, आज मेरा काम का मूड नहीं है, मैं पढ़ती है। ये काय शांति रे, अरे रोकने से रोकता क्या? अरे वैजयंती, 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 क्या हो गया तेरे को? दुधवा बनाए मलाई, अरे दुधवा बनाए दही, मेरी जोड़ी जम जाए तो लाइफ हो जाए सही, तो लाइफ हो जाए सही। देवा 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 देवा, मम्मा 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 मम्मा।
को मारती है, क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ, क्या कहा सांगू मामा, मैं जिधर जिधर देखते हैं उधर वही नजर आता है, और एक वो है, मैं सामने भी आती है तो मेरे को देखता ही नहीं है। अरे तेरे में देखने को है क्या? क्या बोला मामा? अरे भड़क मत, सच्ची बोलता हूँ मैं, 24 घंटा कोलन बनकर घूमती मच्छी ले लो, मच्छी अखा बदन से मच्छी का बास आता है, बाजू से निकलती है तो लगता है बांकड़ा मच्छी काष्टा बांध कर जा रही है, खटक 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 खटक। अरे उसको अंदर करने का है तो तू बाहर आ, मर्डन बन मर्डन, आज के जमाने की मैंने कहो। मर्डन कैसे बनेगी मामा? अरे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े टेलर को जानता हूँ मैं, सतीश खुल्ला, बड़ी बड़ी हीरोइन के छोटे छोटे कपड़े बनाने का मास्टर है वो, उसको बोल के तेरा ऐसा आउटफिट बनाऊंगा कि तेरा मामला फिट। संभाल के चलाऊंगा। तबीयत की औलाद, हमारा मर्दाना तस्वीर बनाना, नहीं तो तुम एक आग से कहना है तुम्हारी दूसरी आग भी फोड़ देगी। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो खान साहब, आज मैं तुम्हारा ऐसा मर्दाना तस्वीर बनाऊंगा कि दुनिया के सारे मर्द नामर्द लगने लगेंगे, ये देखो। तस्वीर बनी के नहीं? तस्वीर बन के खान साहब अपनी आंखों से देख लीजिए। कमीने भेंगे, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओए किधर गया खबीस की औलाद, पजामा छोड़ के किधर गया? पता नहीं ये रस्सी कैसे टूट गई। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी का एक बोलता है, अच्छा लगा मेरे को तेरे साथ झूला झूल के। क्या? नहीं नहीं, मैं ये बोल रही थी मॉडर्न ड्रेस में कैसे लग रही है, लगती है ना डीन जैक। आई ला हंसा मन जब हंसा। अब तुम सोनी कुड़ी लग रही हो। सोनी कुड़ी?
मेरा मतलब अब तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं तेरे को ब्यूटीफुल लगती है? हाँ वैजंती, तुम सचमुच ब्यूटीफुल हो। मैं सच्ची में तेरे को ब्यूटीफुल लगती है? हाँ। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम सच में ब्यूटीफुल हो। अरे
कुंवारी लड़की ने व्रत कैसे रख लिया? वो तो ठीक है, लेकिन ये तो पता करो व्रत किसके लिए रखा है। हाँ हाँ चलो चलो हाँ, चलो वैजयंती, आज तुम वाकई ब्यूटीफुल लग रही हो। मालूम है मेरे को, मैं तुमको बहुत ब्यूटीफुल लगती है। आओ ना, कम वो सूरज के लिए रखी है। आओ ना, मुझे छत पर क्यों ले आई हो? बताती है मैं, अब इधर खड़े रहो। हाँ हाँ ये सब क्या कर रही हो वैजयंती? व्रत रखा है मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के वास्ते। What? आज करवा चौथ है ना, हर औरत अपने मर्द के वास्ते व्रत रखती है, तो मैंने भी रखा तुम्हारे वास्ते। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है वैजयंती, आर यू ऑलराइट? ये व्रत पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए रखती है और तुम इस रस्म का तमाशा बना रही हो, मजाक समझ रखा धर्म को? देवशक को थक के बोलती हूँ, मैंने सच्चे मन से व्रत रखा है। किसने कहा था व्रत रखने के लिए? क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? सब कुछ, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरी जीने का सहारा। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? हाँ, पागल हो गई है मैं, पागल हो गई है तुम्हारे प्यार में। उठते बैठते जाते सोते बस तुम्हारे ही सपने देखती हूँ। भगवान मान लिया है मैंने तुमको। बस बस बहुत हो गया वैजयंती। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत साफ मन है तुम्हारा, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझ गई मैं, समझ गई। तुम इसके वास्ते मेरे को ना बोलता है ना कि शादी के बाद मैं अपना बच्चा मांगेगी, तो देवा शपथ खा के बोलती है मैं कभी मां नहीं बनेगी, जिंदगी भर करण की मां बन के रहेगी। बस बस मेरे को अपने से कभी अलग मत करना, कभी अलग मत करना, मैं मर जाएगी, सूरज में मर जाएगी। ये नहीं हो सकता वैजयंती, ये नामुमकिन है। काहे को नामुमकिन है बता मेरे को, काहे को नामुमकिन है? क्योंकि मेरी पत्नी जिंदा है। सात सालों में भले ही किसी ने मेरी जुबान से उसका नाम न सुना, लेकिन इन सात सालों में एक पल के लिए भी उसे नहीं भूला हूं मैं। वैजयंती, दुनिया की कोई औरत मेरी पत्नी की जगह नहीं ले सकती, मेरी कोमल की जगह कोई नहीं ले सकती। यशपाल जी, आपके आने से हमारी पार्टी की शान बढ़ गई। कोमल बिटिया दिखाई नहीं दे रही? अभी तो यही थी। हाँ? वो खड़ी है। अरे अकेली क्यों खड़ी है वहाँ? एक्सक्यूज मी कोमल। बेटे तुम्हें यहाँ लाने का यही मकसद था कि लोगों के बीच में रहोगी तो शायद तुम्हारा अकेलापन कुछ कम हो जाए। पापा, आपको मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। कैसी बातें करती हो कोमल, लोगों में मिक्स करो, चलो आओ। तुम यहीं बैठो, मैं पेपर साइन करवा के आता हूँ। I'll be back in 5 minutes, okay? Okay. Have you been to the party exhibition? No. It's a beautiful exhibition. हम जा रहे हैं, कल आपको आना है? नहीं। एग्जीबिशन नहीं जाती आप? जी नहीं। Should I get you a book? No, no, really. Good afternoon, sir. तुम? सर ये पेपर साइन कराने। हाँ, गुप्ता का फोन आया था, उसने कहा तुरंत पेपर्स भिजवाइए, माल की डिलीवरी कल ही होनी है।
Come on, Big Bear. Put up. Thank you, sir. Give me Kitty. Come on, let's go. Suraj! Suraj! Komal! Komal! तुम्हारे बेटे को लेकर आता हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगी। तुम मेरी बात सुनो। तुम घर जाओ, मैं आधे घंटे के अंदर तुम्हारे बेटे को लेकर आऊंगा। जाओ। बस बस बस। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच फॉर द बॉल। बाय, सी यू इन द इवनिंग। फोड़ दो ये हरामखोर का। यस सर। ए क्या है? Oh.
आदमियों को हाथ लगाए, हिम्मत से तो हाथ लगाए, छू कर देखिए मेरे बच्चे को, छू कर देखिए मेरे बच्चे को, हाथ लगाए। ए बादशाह, 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 मेरे चंद आदमियों को मारकर समझता है कि जीत गया तू? मैं आऊंगा, फिर आऊंगा और तेरे बच्चे को तुझसे छीन के ले जाऊंगा। आज तक तेरा सामना तेरी बेटी के पति के साथ हुआ था, एक बाप से टकराने की बेवकूफी मत करना। तूने मेरे बच्चे के साए को छूने की कोशिश भी की तो वो हाल करूंगा तेरा कि ना जलाने के लिए शरीर बचेगा ना बहाने के लिए अस्थियां। मैं जानता हूँ आपने जो कुछ भी किया मेरे भले के लिए किया होगा। पापा, आपको मम्मी से अलग क्यों होना पड़ा? क्या मम्मी आपसे प्यार नहीं करती थी? नहीं बेटा, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो तो मेरी जिंदगी थी, मेरी साधना थी, मेरी प्रेरणा थी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या कर रहे हो उस्ताद? जॉन तो जीतने वाला, उसके नाम से पैसा खा रहे हो। मेरे को मान में कि जीतने वाला तो मेरा सूरज है, इसलिए तुम्हें जॉन पर पैसा खरीद लो। तू बैठी चल, बोलो जॉन पर एक कदा से चला से एक कदा। शेर तो मैं बोले बिना ही जमीन पे लेट गया उस्ताद। ए ढक्कन, उसको आने दे, देख फिर मेरा शेर कैसे दाल के खड़ा हो जाएगा। ओ
तुझे लगाना है अपना बनाना है तुझे सीने से लगाना है आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है अपना बनाना है तुझे सीने से लगाना है बनाने वाले तेरा शुक्रिया अरे अपना बनाना है तुझे सीने से लगाना है ओ आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है था अपना पर ये तेरा हो गया यारा मोहब्बत की अनोखी रीत है जो दिल को हारे बस उसी की जीत है तू ही मेरा प्यार है तू ही मीत है आशिकी में हमको सनम हद से गुजर जाना है अपना बनाना है तुझे सीने से लगाना है आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है Hell is your problem, huh? What do you want? Relax. I was just dancing. Don't try to act smart. तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. दोबारा ऐसी हरकत की ना, तो हाथ उखाड़ के तेरे हाथ में दे दूँगा. कोमल, क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़ो कर. क्या कर रही हो तुम, कोमल? Who the hell does she think she is? कोमल, please. Just leave me. कोमल, relax. I will not tolerate this. Let's go outside. Let's go outside. Come on, come on. Leave me, Suraj. Come on, cool down, Kumal. Relax. Leave me. I said leave me. This is nonsense. कोमल, cool down. अरे ऐसी लड़कियों की फितरत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा था. नहीं बर्दाश्त कर सकती कोई और तुम्हारी तरफ देखे. नहीं बर्दाश्त कर सकती सूरज. किसी भी हालात में मैं गुजारा कर लूंगी. जिंदगी की कोई भी कमी बर्दाश्त कर लूंगी. लेकिन जिस दिन तुमने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई वो दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा. जिसकी जान जैसी महबूबा हो वो किसी बुझती हुई लालटेन को क्यों देखेगा. I mean it. कल तुम्हारा बर्थडे है ना. मैं तुम्हारे पापा से मिलकर अपने रिश्ते की बात करूंगा. आ
आपके आने से तो मेरी पार्टी की रौनक बढ़ गई। एक मिनट, ये क्या कोठारी साहब, आपका गिलास तो खाली है। ए वेटर, इधर आओ बेवकूफ, ये क्या मेहमानों की देखभाल कर रहे हो, इनका गिलास खाली क्यों है? सॉरी सर। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। हाय सूरज। सर ये वही है जिसकी जैन कुंडली मैं कल आपको बता चुका हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आओ मेरे साथ। कहाँ? पापा इनसे मिली, ये सूरज। नमस्ते सर। बेटा ये तुमने क्या पहन रखा है? हाँ? मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन का इतना खूबसूरत ड्रेस बनवाया है, जाओ जाकर पहन कर आओ। But Papa, this is fine. Come on, बेटा, go and change it. Come on. Okay. जाओ। मैं अभी आई। Okay. क्या नाम बताया तुमने अपना? सूरज। अच्छा नाम है। थैंक यू सर। केक आ गया है। वेरी गुड, आओ मेरे साथ। ये कोमल का बर्थडे केक है, ऐसा केक तुमने जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। आज मैं खिलाता हूं तुझे। ये क्या कर रहे हैं आप सर? मुंह मीठा कर रहा हूं तेरा। आ इधर। ये दुनिया की सबसे नायाब शराब है, तूने कभी सूंघी भी नहीं होगी, मैं तुझे पिलाता हूं आज। ले पी। पी। अरे दिमाग जा रहे आप? दिमाग। तू साला दो पौड़ी का आदमी मेरी बेटी का हाथ पकड़ के मेरी महफिल में आता है। छोड़िए मुझे। Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! इसकी खामोशी को कमजोरी मत समझिए पापा। ये खामोश है तो सिर्फ इसलिए कि आप मेरे बाप हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, सूरज आपका होने वाला दामाद और मेरा होने वाला पति, और जिस घर में मेरे पति की इज्जत ना हो मैं वहां एक पल नहीं रुक सकती। चलो सूरज। दूर अब न जाओ, मैं कसम खा।
ये दिल में है तू, तू ही मन में है तू, तू तो ही है मेरी जान। Can I come in, sir? Come in. सब ठीक तो ना डॉक्टर साहब? Can I have this? Sure. क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारे पेशे में तो छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। इनफैक्ट चोट के तो नोट मिलते हैं। वैसे कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? टेंशन की बात तो है। तुम्हें बहुत एहतियात बरतनी होगी। ये तुम अपना ब्रेन स्कैन देख रहे हो? तुम्हारे सर के इस हिस्से में गहरी चोट लगी है और इस चोट की वजह से तुम्हें अपना प्रोफेशन छोड़ना होगा। I'm afraid, अब तुम कभी रिंग में नहीं उतरोगे। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब? वो इसलिए कि फ्यूचर में अगर कभी भी इस जगह पर दोबारा चोट लगी तो तुम्हें ब्रेन हैमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। इट्स ए वेरी सीरियस मैटर, यू विल हैव टू टेक केयर। समझ सकता हूँ, लेकिन लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस बीमारी का जिक्र आप कोमल से मत करना, शी इज प्रेग्नेंट, खामा का अपसेट हो जाएगी। ठीक है सूरज, लेकिन तुम? मैं अपना ख्याल रखूंगा, आई टेक केयर ऑफ माय सेल्फ, थैंक यू। अच्छा कमिंग, वन सेकंड। हाय बेबी, हाउ आर यू? लुकिंग नाइस। थैंक यू। ये क्या है? ये विटामिन्स है, ए टू जेड, खाती जाओ और मेरी तरह तंदुरुस्त हो जाओ। सुनो, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा तुम 100 साल जियोगे और 11 बच्चे पैदा करोगे। सूरज, सूरज तुम ये काम छोड़ दो, भगवान न करे कल कल तुम्हें कुछ हो गया तो। एक मिनट, कमाल है, मुन्ना भी यही कह रहा है, जब माँ बेटे हो एक साइड में तो ये गरीब क्या करेगा। आज से फाइट बंद, प्रॉमिस। अरे ये तो अनीता की शादी का कार्ड है, तुम जा रही हो ना? नहीं। क्यों? वहां पापा भी होंगे और मैं नहीं चाहती कि हमारा आमना सामना हो। तुम भी सिली, तुम शादी पर जा रही हो और मैं कल ही टिकट बुक करवा रहा हूं, ओके?
ओके मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। कोमल, मैं तुझे बता नहीं सकती आज तुझे याद देखकर मैं कितनी खुश हूँ। वैसे तेरे मियाँ जी कहाँ हैं? उनको जरूरी काम था इसीलिए मैं चली आई। लेकिन उन्होंने जिद करके भेजा ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। सो नाइस ऑफ देम। अच्छा तू इतनी दूर से सफर करके आई है, तेरे छोटे में आपको भूख लगी होगी, जा तू कुछ खा। नहीं, हम सब साथ में खाएंगे। डोंट बी सो फॉर्मल, तू जा मैं आती हूँ। ओके, सी यू लेटर, बाय बाय। इसे कहते हैं जोड़ी, चांद जैसी बेटी के लिए सूरज जैसा दामाद मिला है तुम्हें। मेरी किस्मत में ये कहाँ यार। अंकल, ये क्या? अंकल आप इतने दिनों बाद अपनी बेटी से मिल रहे हैं और इतनी बेरुखी? आप चाहते थे ना कि कोमल खुश रहे, तो वो खुश है, बहुत खुश है। और शायद आप नहीं जानते, वो माँ बनने वाली है और आप धाना। I'm sorry पापा, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये क्या पापा, आप यहाँ तक आए हैं और ऊपर नहीं आओगे? नहीं बेटा, मुझ में सूरज का सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैंने उसे बहुत... पापा, सूरज के दिल में आपके लिए कोई मेल नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत खुश होंगे आपको देखकर। कम ऑन, आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर। कम ऑन पापा। ओके, कम ऑन। आइए पापा। उनको तो पता ही नहीं कि मैं आ जा रही हूँ, हम दोनों को देखकर चौंक उठेंगे वो। आइए ना पापा। दीजिए, बैठिए। वो अंदर होंगे, मैं उनको सरप्राइज देके आती हूँ। बैठी ना। हाँ बैठ रहा हूँ। तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? And how dare you wear my nightgown? छोड़ ना यार, नाइट गाउन और घर शेयर करने की बात करती है, मैं तो तेरा पति शेयर कर चुकी हूँ। ये बताओ कि ये याद क्या कर रही है? तुम ये अंदर क्या कर रही हो? अरे वाह, बीवी को देखे नाटक क्या कर रहा है? अय्याशी करता है तो बताने की हिम्मत रख। बता अपनी बीवी को तू मेरे साथ रात गुजार चुका है। क्या बकवास कर रही है? क्या बकवास कर रही है? बकवास तुम कर रहे हो। साफ साफ बताओ सच क्या है, बताओ सच क्या है सूरज? उमर, ये सब क्या हो रहा है? ये यहाँ कहाँ से आई? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं नहीं, तुम जो ये
क्या है? ये लिपस्टिक का निशान कैसे लगा? कोमल, ये लिपस्टिक का निशान कैसे लगा? कोमल, मैं नहीं जानता। आई स्वेयर आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं मालूम। बोलो बोलो, तुम्हें इस झुमके के बारे में भी कुछ नहीं पता? बोलो बोलो। तुम्हारे सर की कसम कोमल, मुझे कुछ नहीं पता। खत्म हो गए हमारे बीच सारे रिश्ते। मर चुकी हूँ तुम्हारे लिए। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। इस आदमी के लिए मैंने आपको छोड़ा, सारी दुनिया को छुपा दिया, उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया, पति पत्नी के रिश्ते को नापाक कर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मुबारक हो सर, बेटा हुआ है, आप नाना बन गए। ये बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्यों सर? जिस रिश्ते को मैंने हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया था, उस रिश्ते को जोड़ने वाली कड़ी आज पैदा हो गई है, और मैं इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने नहीं दूंगा। गोमाधीश केले, तेरा ससुर तेरे बच्चे को मार देना चाहता है। अगर तू अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो अपने बच्चे को लेकर भाग। सूरज, सूरज अपने बच्चे को लेकर भाग जाए यहाँ से। सूरज अपने बच्चे को लेकर भाग जाए यहाँ से। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा सब कुछ चला गया। ये 7 साल बस मैं तेरे लिए जीता रहा। पापा, वो लोग मुझे आपसे अलग तो नहीं करेंगे ना? मैं आपके बिना नहीं रह सकता पापा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं पूछता हूँ आपको, ये बेवकूफी का मशवरा कौन अकलमंद देता है? क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? अरे इस मुल्क में कानून नाम की भी तो कोई चीज है। अपनी पत्नी को धोखा उसने दिया है, बच्चा लेकर वो भागा है। यूं यूं एक हियरिंग में भरी अदालत में नंगा कर दूंगा उस सूरज को। एडवोकेट कात्रे नाम है मेरा, और कात्रे का काटा पानी तक नहीं मांगता। लेकिन आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि अदालत में एलिगेशंस होते हैं, काउंटर एलिगेशंस होते हैं,
कुछ सच भी बोलना पड़ता है, कभी झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। पर मुझे यकीन है कोमल जी कि अपना बच्चा पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगी। मैं तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनना चाहता। यशपाल चौधरी हमारी कंपनी के फाइनेंसर हैं, उनके किसी दुश्मन को मैं अपने यहां नहीं रख सकता। मेहता जी इनका हिसाब कर दो। काकी सुनने में आया सूरज की नौकरी छूट गई? हाँ बेटुआ, जब मुसीबत आवत है ना तो चारों तरफ से आवत है। उका घर तो बिखरा पड़ा है, घर में पानी तक नहीं पीने को, इसलिए भर के ले जा रही हूँ। काकी तुम टेंशन मत लो, मैं है ना, मैं घर का सारा काम कर लेगी। नहीं बिटिया। सो ना काकी, मैं लेके जाती है। सो। मेम साहब वो सामने वाला घर है। कोई है? सूरज कहाँ है? आप कोमल जी है ना? सूरज आपके मैंने पूछा सूरज कहाँ है? वो रोज ये टाइम को काम पे से आ जाते, आते ही चोएंगे। आप खड़ी काई को है? आओ गुरजी। इट्स ओके, मैं यही ठीक हूँ। घर में रहती हूँ ऐसा ही समझ लो। किस रिश्ते से इस घर में रहती हूँ? कोई भी नहीं जानती हो। जब कोई औरत बिना किसी रिश्ते के किसी मर्द के साथ रहती है तो लोग उसे रखेल कहते हैं। अगर आज के जमाने में लोग मीरा को कृष्ण की रखेल बोलते हैं तो हां मैं सूरज की रखेल है। छोड़ो मेरा, मैं यहां तुम्हारी अय्याशी का तमाशा देखने नहीं आई हूं। कोर्ट का समय तुम्हारे मुंह पर मरने आई हूं। अब मैं अपना बच्चा तुमसे लेकर रहूंगी। I'll see you in court. कोमल, कोमल। Your Honor, आज का मुकदमा कानून के इतिहास में सबसे अनोखा मुकदमा है। यह मुकदमा कोई चोरी खून और डकैती का नहीं है बल्कि उस बदनसीब माँ का है जिसके बच्चे को जन्म देते ही कोई चुरा कर भाग गया। और ये जलील हरकत करने वाला और कोई नहीं, उस औरत का पति और उस बच्चे का अपना ही बाप है। और इस घिनौने सच को साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं नर्स बिल्किस बानू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं जो उस रात अस्पताल में ड्यूटी पर थी। इजाजत है। उस रात आपने क्या देखा बिल्किस बानो? मैंने देखा ये आदमी यशपाल जी के मैनेजर को मारकर बच्चा लेकर भाग रहा था। हाँ। मैं चीखी, सिक्योरिटी वालों ने इसे रोकना चाहा लेकिन ये उन्हें भी मारकर भाग गया। थैंक यू जी। बच्चा चुराने के पीछे इस आदमी का एक खास मकसद था योर ऑनर। एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से
ये उस बच्चे की कीमत वसूल करना चाहता था क्योंकि जाती तौर पर ये एक बदनाम, बदकिरदार और अय्याश आदमी है। ये झूठ है जज साहब। ये सच है योर ऑनर। और इस सच्चाई को साबित करने के लिए मेरे पास बहुत ही ठोस और मुकम्मल सबूत है। हुसैन बख्शी। हुसैन बख्शी, तुम्हारी और सूरज की दोस्ती कैसे हुई? हम दोनों के शौक जो एक है वकील साहब। अच्छा। हर बार जब ये मेरे साथ शराब पीता था तो एक ही बात कहता था। क्या कहता था? मेरा बेटा मेरी कमाई है और जिस दिन मेरी बीवी अपने बच्चे को मांगने आएगी मैं उसकी मुंह की कीमत वसूल करूंगा। बकवास कर रहा है ये मेरा दुश्मन है जज साहब। शराब तो दूर की बात है, मैंने तो आज तक इसके साथ पानी नहीं पिया। इसने पैसे खाए, ये बिका हुआ है। बिका हुआ ये नहीं मिस्टर सूरज, बिके हुए तुम हो। और इस सच्चाई को साबित करने के लिए मैं मिसेस कोमल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत है। कोमल जी, मिस्टर सूरज ने आपसे बेटा लौटाने की कीमत मांगी थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं मिसेस कोमल कि सूरज ने बच्चा लौटाने की कीमत 2 करोड़ मांगी थी या नहीं? आप जवाब क्यों नहीं देती मिसेस कोमल? सूरज ने पैसे मांगे थे या नहीं? ये कानूनी हथकंडे खेले बिना आपको आपका बच्चा कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। सूरज ने पैसे मांगे थे या नहीं? मेरे पति ने पैसे मांगे थे। मिस्टर सूरज, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं आपसे पूछ रहा हूं मिस्टर सूरज, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? इस केस के सारे पहलू अदालत के सामने आ चुके हैं और यह बात भी साबित हो चुकी है कि अपने ही बेटे को अगवा करने के पीछे मिस्टर सूरज का मकसद क्या था। रुपयों के लिए इन्होंने पति और पिता दोनों ही रिश्तों के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे स्वार्थी आदमी के पास इस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए अदालत बच्चे को मां के हवाले करने का हुक्म सुनाती है। ये सच है कि जन्म मुझे भगवान ने दिया, लेकिन मेरी जिंदगी मेरे पापा ने दी है। आई लव यू पापा, आई लव यू। एक पल में ही अपनी जिंदगी क्या से क्या हो गई, किसकी नजर लग गई। तेरा मासूम चेहरा याद आएगा हर पल मुझे, तू चला जाएगा तो कौन पापा कहेगा मुझे। वो रिश्ते क्यों जोड़ता है, रिश्ते क्यों
कल रात से कुछ नहीं खाया है। चलो आओ आओ, कुछ खा लो प्लीज। मेरे हाथों से खाना नहीं खाओगे? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे पापा से प्यार करती हो? तुम मेरे पापा से प्यार करती हो? अगर तुम मेरे पापा से प्यार नहीं करती तो तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा रात का खाना नहीं खाना। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। जब कोविड नहीं किया तो चली जाओ यहाँ से। कोविड, जब कोविड, चली जाओ यहाँ से। किसने मेरे घर का शीशा तोड़ा? है किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा, मैंने। बता क्या करेगा तू? ए, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? मेरा तो खाली दिमाग फिरा है, तू तो अपनी ईमान से फिर गया रे। कितना पैसा मिला तेरे को कोर्ट में झूठी गवाही देने का? कितना कमाया तूने एक बेटे को बाप से अलग करने का? मैं जो चाहूं करूं, तू कौन होती है हुसैन को नसीहत देने वाली? अपने आप को हुसैन बोलता है? अरे तेरे को मालूम है हुसैन कौन थे? पैगंबर साहब के नवासे थे, जान दे दी, शहीद हो गए वो सच्चाई और इंसाफ के वास्ते। और तुमने बदनाम किया उनके नाम को, गाली दी अपने धर्म को। तेरे को इसका हिसाब ऊपर जाके देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तेरे को। इस खुशी, इस जश्न का सेहरा आपके सर पर है जैसा। वकील साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं, अगर आपने हमारे हक में फैसला नहीं दिया होता तो। एक मिनट यशपाल जी, मैंने आपके हक में फैसला नहीं दिया बल्कि सबूत और गवाहों की रोशनी में सच्चाई के हक में फैसला सुनाया। वाह जज साहब वाह, क्या बात कही है इन्होंने। इसी बात पर एक जाम हो जाए जज साहब। जी नहीं शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। वो तो आपने इतना जोर दिया इसलिए आपकी खुशी में शरीक होने चला है। As you please. Excuse me, sir. Sir, एक मिनट। Excuse me. Please. क्या बात है मधेश, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? सर वो सूरज बाहर गेट पर आया हुआ है। कैसे हुई मेरी दहलीज पर पांव रखने की? दफा हो जाए यहां से। चला जाओ बस, चला जाओ। बस दो मिनट अपने बेटे से मिलने दीजिए प्लीज। मांगने आया है तो भिखारियों की तरह मांग। घुटने टेक, टेक घुटने। जोड़ कर गिड़गिड़ा और भीख मांग अपने बच्चे से मिलने की। सुना नहीं? भीख मांग। मुझे अपने बच्चे से मिलने दो सर, मुझे अपने बच्चे से मिलने दो। मुझे इस घर से भीख भी नहीं मिलेगी। Get out from here! Out! Well done, sir. क्या सबक सिखाया आपने? अरे आपसे टक्कर लेने चला था।
कुत्ता बना दिया आपने उसे। अरे उसे पता नहीं कि किस हस्ती से उसका पाला पड़ा है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। चलिए सर पार्टी करते हैं, मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए आपकी जमानत हो गई है।
मिस्टर सूरज, कानून उस अंधे मुसाफिर की तरह है जो अपना रास्ता सबूतों और गवाहों की बैसाखियों के सहारे तय करता है। अदालत में तुम्हारे खिलाफ जो भी सबूत और गवाह पेश किए गए, उन्हीं की बुनियाद पर मैंने अपना फैसला सुनाया था। लेकिन कल के वाकये ने मेरी आंखें खोल दी। तुम इस केस को रीओपन करने की अपील करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें इंसाफ दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूछता हूं किस बुनियाद पर यह मुकदमा रीओपन किया जा रहा है, जबकि इस मुकदमे का फैसला पहले हो चुका है। आखिर यह सब तमाशा क्या है? मिस्टर चौधरी, आप अदालत की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जज साहब, ये अगर आप खामोश नहीं हुए तो इसे अदालत की तौहीन समझा जाएगा। यशपाल जी चुप हो जाइए, सूरज तो बाहर आ गया है, कहीं ऐसा ना हो आपको अंदर जाना पड़े। बैठ जाइए। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मैं मिसेस कोमल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत? अब मैं मास्टर करण को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत है। मिसेस कोमल, आप अपने बेटे करण के सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आपके पति ने इसे लौटाने की आपसे कीमत मांगी थी। मिसेस कोमल सुन रही हैं आप? अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के ये कसम खाइए कि मिसेस सूरज ने इसे लौटाने की कीमत आपसे 2 करोड़ मांगी थी। बोलिए मिसेस कोमल, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाइए, खाइए कसम। बताइए अदालत को कि सूरज ने आपसे कितने पैसे मांगे थे। बोलिए। मैं नहीं समझता कि मुझे अदालत को इससे ज्यादा कुछ और समझाने की जरूरत है। That's all I have to say, Your Honor. Thank you. जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। मैं मानता हूं जज साहब कि एक मां ने अपने बच्चे को पाने के लिए झूठ बोला। बेशक आप इस बच्चे को बाप के हवाले कर दीजिए, लेकिन इससे यह कहिए कि उसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए का चेक भी कबूल कर ले, क्योंकि जज साहब, इस आदमी की इतनी हैसियत नहीं है कि इस बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश कर सके। 7 साल अपने बच्चे को मैंने पाला जज साहब, आगे भी इसकी परवरिश मैं कर सकता हूं। मुझे इस आदमी की खैरात की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें खैरात की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो टकसाल है, टकसाल। योर ऑनर, दुनिया इसकी हैसियत को जानती है। ये जिस जगह में रहता है वो लिटिगेशन में कभी भी इसे धक्के मार कर बाहर निकाला जा सकता है। नौकरी से तो ये पहले ही हाथ धो चुका है। अरे, ये तो सेठ जी की मेहरबानी है कि तुझे भीख दे रहे हैं, वरना है तेरी औकात कि अपने बच्चे की परवरिश के लिए अदालत में 15 लाख रुपए जमा करवा सके? क्यों, ताला क्यों लग गया मुंह पे? हाँ, अरे बोलना कि तू अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकता हूँ। सुना तुमने, मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकता हूँ। अच्छा, बतौर सिक्योरिटी तुम अदालत में 15 लाख रुपए जमा करवा सकते हो? हाँ, करवा सकता हूँ। जज साहब, ये खुद कह रहा है कि अपने बच्चे की परवरिश के लिए बतौर सिक्योरिटी ये अदालत में 15 लाख रुपए जमा करवा सकता है। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो मैं अदालत से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए बच्चे को हमेशा के लिए मां के हवाले कर दिया जाए। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। मिस्टर सूरज, तुम अपने होशो हवास में यह बात कर रहे हो कि इतनी मुद्दत में तुम ये वादा पूरा कर सकोगे? जी जज साहब। मिस्टर सूरज को वादे के मुताबिक 3 महीने के अंदर 15 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी अदालत में जमा करवाने होंगे।
अगर ये अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे तो बच्चे को हमेशा के लिए मां के हवाले कर दिया जाएगा। अदालत में हमारी शर्त मान के तूने खुद को हमेशा के लिए अपने बच्चे से दूर कर लिया है। 15 लाख की रकम 3 महीने में तो क्या तू 3 जन्मों में भी इकट्ठी नहीं कर पाएगा। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है यशपाल चौधरी, तुम्हें जीतने का तो शौक है लेकिन बाजी खेलने का सलीका नहीं है। 15 लाख तो बहुत कम है। अगर मेरे बच्चे के लिए 15 करोड़ रुपए की भी शर्त रखी होती तो वो भी मैं तेरे मुंह पर दे मारता। ढूंढता था ए जरा पप्पा, आज तेरे को देखा तबियत खुश हो गया बड़ा भाई। पागल हो गया तू कि दोबारा इस लाइन में आने की बात करता है? अरे शेर को भी 7 साल पिंजरे में बंद रखने के बाद दोबारा जंगल में छोड़े ना तो वो शिकार करना भूल जाता है। और तू भी तो फाइटिंग से 7 साल से आउट ऑफ टच है, क्यों जान का जोखिम लेता है? सामाटे मारा भाई सामाटे। व्हाई मानिक भाई, मैं उस मामूली बैटिंग वाली फाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस फाइट की बात कर रहा हूं जो साल में एक बार होती है, जिसे जीतने का इनाम 25 लाख रुपए है। बावला हो गया है तू, बावला, तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक मिनट, तेरा दिमाग पर तो चोट आया था ना, और वो डॉक्टर ने भी तुझे लड़ने से मना किया था ना। देख मत ले मेरा भाई, मर जाएगा तू, मर जाएगा। अपने बच्चे से दूर रहकर मैं वैसे ही मर चुका हूं मानिक भाई, मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरा बच्चा वापस लाने में मेरी मदद करो। अरे तेरे लिए तो जाना दे रहे सूरज, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है, तेरी तैयारी के वास्ते पैसा कौन लगाएगा, तेरे को ट्रेन कौन करेगा? मैं ट्रेन करूंगा। हाँ सूरज, तुझे तेरे बेटे से अलग करके बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने, बस ये एक नेक काम कर लेने दे मुझे, शायद इसी बहाने अपने खुदा और उसके रसूल को मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊं। वाह, तुमने कमाल की न्यूज दी है मादेश, कि सूरज ने फिर से रिंग में उतरने का फैसला कर लिया है, लेकिन इस बार वो रिंग से जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। ऐसा ही होगा सर, जरा सामने तो देखिए। मदेश, खरीद लो इस फिरंगी को और समझा दो इसे कि सिर्फ जीतना ही नहीं सूरज को खत्म करना है। जीतना मेरी फितरत है और सूरज के साथ इस जंग में जीत मेरी होगी, मेरी, यशपाल चौधरी की।
पापा की रक्षा करना। भगवान रामचंद्र थे, फिर भी तुम्हारे वनवास में लक्ष्मण और सीता तुम्हारे साथ थे, लेकिन 7 साल का ये वनवास उसने अकेले ही काटा है। रावण से लड़ने के लिए तुम्हारे पास हनुमान की वो अनर सेना थी, लेकिन वो दुनिया से अकेले ही लड़ा है। तुम्हारे इंसाफ की अग्नि परीक्षा है, उसकी मदद करो देवा, उसकी रक्षा करो। भगवान ने मुझे सजा दी, जिस शरीर पर मुझे नाज था उसकी ये दशा कर दी। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मैं चादर की ठोकरें खाने लगी। जिंदा तो सिर्फ इसलिए कि एक बार इस आदमी के पैर में गिर अपने गुनाह की माफी मांग सकूं। मैं तो तेरा पति शेयर कर चुकी हूँ। I have slept with him. तो? हाँ, wait! जिसने तेरे और तेरे पति के बीच में आग लगाई, घर बर्बाद किया था जिसने तेरा। ये बता रे इसको सच क्या है? काय के वास्ते किया तूने ये सब? ताकि इसके मगज पे जमेली धूल साफ हो। चल, बता रे इसको, बता। तुम्हारे
पति और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने की वो एक साजिश थी। तुम्हारा पति बेकसूर है। तुम्हारे घर में घुसने के लिए मुझे चाबी चुरा कर दी गई थी। सूरज के कुर्ते पे लिपस्टिक के निशान मैंने लगाए थे। वो कार का झुमका भी मैंने बसाया था ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम्हारा पति मेरे साथ रात गुजार चुका है। एक पसे बसाए घर को उजाड़ने के लिए, ऐसा घिनौना काम करने के लिए मुझे मुंह भांगे कीमत देने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा बाप था। बहुत पैसे वाले बाप की बेटी है ना तू, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में तेरे से ज्यादा गरीब औरत नहीं देखी जिसके नशीब में ना पति का सुख है ना मां बनने का। अरे मियां बीवी के रिश्ते का आधार प्यार और विश्वास होता है, और तूने तूने उसी पे विश्वास नहीं किया जिससे तूने प्यार किया। मर्द को औरत की कमी नहीं होती, और सूरज जैसे पे तो लाखों बार मिटे। अरे माई बिछड़े को तैयार थी माई, लेकिन कभी आंख उठाकर देखा तक नहीं उसने मेरी तरफ। मालूम है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तेरे को प्यार करता है। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक अच्छा औरत और वो है तू। और जिस बच्चे के वास्ते तू इतनी उतावली हो रही है ना, शक्ल भी देखने वाली मिलती तेरे को उसकी, अगर सूरज उसको अस्पताल से लेकर भाग नहीं गया होता। क्योंकि तेरा बाप तुम दोनों के प्यार के निशानी को खत्म कर देना चाहता था, मार डालना चाहता था तेरे बच्चे को। ये जो तुम मंगलसूत्र अपने गले में पहनी है ना, इस बात का सबूत है कि तू इन 7 सालों में सूरज को भुला नहीं पाई। तू आज भी उसी को प्यार करती है, आज भी उसी को अपना पति मानती है। ये मंगलसूत्र तेरे गले में बस आधे घंटे के वास्ते ही है, क्योंकि अपने बच्चे के वास्ते मौत के मुंह में गया तेरा सूरज, और वो उधर से जिंदा वापस नहीं आएगा। उसको खाली तू ही बचा सकती है। जा, बचा ले अपने सुहाग को, बचा ले अपने सूरज को, बचा ले। चाहिए वो कमीना, और मेरी बात गौर से सुनो। मुझे अभी अभी माजे से इंफॉर्मेशन मिली है कि उस हरामखोर सूरज की दैनिक कनपटी की नस डैमेज है। जस्ट गन फॉर हिज राइट टेंपल। जिस तरह से मैंने उसे अपनी बेटी की जिंदगी से निकाल फेंका है, तुम उसे दुनिया से निकाल फेंको। जस्ट फिनिश हिम ऑफ। आई वॉन्ट टू सी हिम डेड। डू यू अंडरस्टैंड? आई वॉन्ट टू सी हिम डेड। ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी बेटी ने? नहीं, तुम्हें उस औरत ने थप्पड़ मारा है जिसने अपने पति के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। तुम्हें उस बीवी ने थप्पड़ मारा है जो अपने मंगलसूत्र की लाज तक न रख सकी। तुम्हें उस मां ने थप्पड़ मारा है जो अपने बच्चे को अपना दूध तक न पिला सकी।
तूने क्या किया बेटी, ये तूने क्या किया? उस बेटी को सजा दी है जिसने अपने बाप पर हाथ उठाया। रक्षा कर दो पापा, रक्षा कर वाहेगुरु। Scorpio! Scorpio! Scorpio!
पास जाओ। पापा। जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी थी, जीतना मेरी फितरत बन चुकी थी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मुझे हरा दिया। आज मुझे बाप शब्द का अर्थ समझ में आ गया। एक ये है जो अपने औलाद की खातिर मौत के मुंह में कूद पड़ा, और एक मैं हूं जिसने अपनी औलाद की जिंदगी में दुखी दुख भर दिया। मैं तुम लोगों से नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तो इस खैरात कभी हकदार नहीं। सजा से डरकर भाग रहे हैं आप? सजा तो आपको जरूर मिलेगी। तो मुझे जो भी सजा दोगे मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ मेरे बच्चे। तो चलिए घुटने टेकिए। मैंने कहा ना घुटने टेकिए। मुझे सीधे चले गए, मुझे सीधे चले गए।